अजीत वैब भी देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों पहुंच चुके हाँ रावी दरिया से। जिमें कि अक्सर ही तुम्हें खबरों में दिखाते रहने हैं कि रावी दरिया तो पार के लोगों काफ़ी मुश्किलों ने। हाल ही जो कणक का जो सीजन लंघिया किसानों को काफ़ी मुश्किल आदि से तुम तस्वीर दिखाई से कुछ दिन पहलों के इतने रावी दरिया से कोई पुल ना होने करके जी हज़ार एकड़ जमीन आ वो जी काश्त करते किसानों को काफ़ी मुश्किल आदि। जे गल की जाए तो बेड़े तो है पर पार जाना बहुत औखा है। जिते मौके से जायजा लैन वास्ते कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल पहुंचे। धालीवाल साहब अज भी तवज्जो की मसल नहीं अज सवेरे किसान मिले ही अपन इस एरिए दे किसान गए सी। पिछले कई दिनों तो रावी दरिया के पानी का लैवल जरा बहुत वध्या और साडे किसान भावानू पार रावी दरिया तो पार जी कणक की खेती है उन्होंने सामभ ली इन्हों बेचारे बहुत कष्ट चलना पड़ा। सो असी मतलब इन्हें मैं कहा मौका देखते दे। मैं सारे अपने मानयोग डीसी साहब अमृतसर के साडे एस डी एम साहब ए डी सी साहब तहसीलदार साहब बी डी ओ साहब सारा महकमा लैके आए कि आप देख के आईए कि अपना इन्हों प्रॉब्लम किदा हल होगी। सो असी ये सारे ने सोचा कि जोड़ा परमानेंट पुल है पक्का पुल है वो बनाने लिए काफ़ी लंबा टाइम लगेगा तो मंजूरियां वगैरह क्योंकि गाड़ी बार्डर है बी एस एफ है कई कुछ है सानू सेंटर गौरमेंट का भी गल करनी पड़ेगी। बट जो इन्हों की सहूलत वास्ते एक आज ही पुल जो ढोलों का एक हों एक होर पुल हों असी वो पुल जो देखते हैं कि इन्हों बना के इतने देने जिन्हें इन्हों ट्रैक्टर ट्रालियाँ खेतीबाड़ी के सारे सन जो पा जा सकन। सो असी क्योंकि चाहते हैं कि पंजाब का किसान जिथे भी कितने बैठा सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार जी है हर किसान को हर तरह की सहूलत जी मुहैया कराने वास्ते ही है। गल की जाए तो मुश्किलों जिम्मे तुम किसानों ने दसा अक्सर असं भी देखते हैं कि जो किसान अपनी कणक लैके आते हैं होर फसल लैके आते तो कणक कि दरिया के रुड़ जाती है क्योंकि पक्का पुल नहीं है। गल की कि ढोलों वाला आरजी पुल हूँ की प्लानिंग की जी क्योंकि अच्छे अधिकारी भी सारे दिन दसा पहला असं आरजी पुल तो करें क्योंकि जो दूजा परमानेंट पुल है वो काफ़ी कुछ बड़ा पेपर वर्क करना पड़ेगा तो वह टाइम भी लगेगा साल डेढ़ साल का तो मंजूरियां वगैरह डिफेंस को कई थावों तो लैनिया इस करके असी मतलब जरा पहला इन्हों का मतलब बुत्ता हल करिए मतलब पहला इन्हों का जो इस वे प्रॉब्लम है वह हल करिए जो महीना दो महीने के आप कर सकते हैं वो असं करा ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਦਵਾ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਗਦੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਮੰਗਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਉਹ ਨਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਏ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ? ਛੱਡ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛਡਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹਿ ਸਹਿ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੱਗੂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਲਏ ਆ ਕਿਹਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛਡਾ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਪਰ ਜਿਹੜੀ 126 ਬੀ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 126 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਤ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਪਰ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਅਜੇ ਆਪਣੀ 50 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਆ ਉਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ? ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 1500 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰ
एकड़ जरा देंगे। तो मैं भी लोगों को अपील करूँगा कि तुम थले पानी जरा अपना बर्बाद हो जाए उस पानी को बचाने लिए सीधी जी पानी तो बिना खेती झोने की वो की जाए तो बहुत वाली। आप रावी दरिया दरिया के इस समय मौजूद हैं किसानों की पिछले जी मंग से तुम्हें भी दसिया कि बिजली की मुश्किल है जे रावी दरिया तो पार कंडाई तार तुरले पास खेती करते हैं सोलर कनैक्शन की मांग की मान सरकार तक पहुँचाने किमें वो किया मैं वो मेरी ड्यूटी है वो आप जो सोलर के कनैक्शन है वो मेरी गल भी हुई है पर थोड़ा जि प्रॉब्लम है वो करके ठीक है वो आप दवावे जिन्हें किसानों इधर कनैक्शन चाहिए होंगे क्योंकि वो सबसिडी उन्हें चाहिए है उदा दे लै सकते आप भी लवा सकते बहुत महंगा वो पांच साढ़े पांच लाख रुपया पर 80% सबसिडी होंगी है वो सबसिडी का प्रबंध तय कर गल हुई है पेंड वाले वो हो जूगी तो मेरा ख्याल है कुलदीप सिंह धारीवाल का इतने अकाली सरकार कांग्रेस सरकार इन्हों दो ने सानू 75 साल लुटिया भी है कुटिया भी है सानू लारिया जी इन्हें रखिया कोई इन्हों सा मसला हल नहीं किया अही आम पार्टी कुलदीप सिंह धारीवाल का धन्यवाद करते हैं साढ़े आने वाले बच्चों की इन्हें सुधार करता इन्हें साड़ी जून ही बदल के रखती है हाँ जी किन्नी लंबी पुरानी मांग सी ये 70-75 साल की जी जो दरिया पै उदो तो साड़ी मांग ही बिल्कुल मौजूद है किस तरह जो किसान इतो औखे हालात अपने संद इधरों दरिया लगे लंघ दिया पर अब मंत्री साहब उन्होंने इतने आगे ऐलान किया कि फिलहाल जो पक्का पुल है टाइम लग सकता पर एक आरजी पुल जो बहुत जल्दी इतने तैयार किया सा होर भी आगू मौजूद है किसान आगू मौजूद है भाई साहब जी लंबी मंग सी देख रहे लगातार मुद्दे उठाते अब मंत्री साहब खुद चल के आए कि देख रहे खुशी वाली गल है लोगों के वास्ते भी जो एड्डी वड्डी मुश्किल ही वो अज कोई ना कोई साड़ी सुनने वास्ते आया वो सू हाँ की भी ये जो मसला हल करा जो मसला हल हों लोगों की बहुत वड्डी सहूलत होगी आने वाले समय सू सुख होगा कि जमीन है रावी दरिया तो पार किसान जी काश्त करते कि जमीन वो लगभग 1200-1500 एकड़ जमीन है इतों अगे तार है तार तो अगे भी जमीन है जी खेती करते हैं किसान से पार बत्ती का इंतजाम नहीं राह नहीं बहुत वड्डी मुसीबत ही मतलब जो हल हो जाए बहुत फायदा होगा सो गल कर रहे किसानों कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल उन्होंने गलबात की कि जो उन्होंने दसा कि किसानों की मांग में हम दूर पैना नजर आया क्योंकि अक्सर ही असं भी कवरिंग करते देखते हैं कि इतने किसान जो अपनी फसलों लैके आते अद्धी पचद्धी फसलों की दरिया में रुड़ जाती कुछ लेंदी ही तो हमेशा ही पर समय समय से सरकार वालों इधर कोई ख्याल नहीं था पर हूँ जो कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल जो कि इस हल्के की नुमाइंदगी भी कर रहे उन्होंने पता लगा तो वह तुरंत अब सारे अधिकारियों नाल लैके इतने पहुंचे तो उन्होंने जो अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इतने जो आरजी तौर पर जो पुल बना दिया जाए जो पक्के तौर पर पुल भी उन्होंने अधिकारियों ने कहा कि जी जरूरी कानूनी कार्रवाई लड़ींदी कार्रवाई है वो पूरी मुकम्मल की जाए। अजीत वैब टीवी लिए सहयोगी परमिंदर सिंह कड़ियाल और बलविंदर सिंह संधू नाल गुरप्रीत सिंह ढिल्लों रावी दरिया अजनाला। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।